हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमिक्स न्यूज अड्डा। दोस्तों कॉपीड के बारे में तो ढेरों न्यूज आती रहती है और ढेरों चीज हम लोगों ने पढ़ी है कि सुपर हीरो जितने भी इंडियन सुपर हीरोज उन्हें कहीं ना कहीं विदेशी जो मार्वल और डीसी कॉमिक्स दोस्तों वहां से कॉपी किया गया है। तो आज हम लेकर आए हैं राज कॉमिक्स में माइलस्टोन कहे जाने वाले सुपर कमांडो ध्रुव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सुपर कमांडो ध्रुव की बहुत सारी चीजें कॉपी मिली है मुझे मालूम पड़ी रिसेंटली। जो रेफरेंस लिया था उसके वेबसाइट नीचे है जहां से मुझे ये पूरा का पूरा रेफरेंस मिला के कहां से कॉपी हुई है सारी चीजें। सो गाइस, बैटमैन सीरीज की 291 और 294 नाम की दो कॉमिक्स आई थी जिसके अंदर बैटमैन को मारने के सभी विलेंस अपने अपने राज बताते हैं कि कैसे उन्होंने बैटमैन को मारा। एक्चुअली में बैटमैन को मारते नहीं है बट उन्हें मारने का तरीका बताते हैं। एक सभा होती है जिसमें सभी लोग अपने अपने व्यूज रखते हैं, पॉइंट रखते हैं कि यार मैंने ऐसा मारा, मैंने ऐसा मारा। उसी प्रकार से सुपर कमांडो ध्रुव की अगर आपने पढ़ी होगी कॉमिक्स, मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन, ये दो कॉमिक्स को दोस्तों कॉपीड किया था उसी दो इश्यूज से। दोस्तों कितना ज्यादा कॉमन है इन इश्यूज में दोस्तों, आइए मैं बताता हूँ इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं पोस्टर से, जो पोस्टर भी कॉपीड किया हुआ बैटमैन कौन गिल्टी है कौन नहीं है। दोस्तों आई क्लेम, सभी विलेन क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमने मारा। वहीं सुपर कमांडो ध्रुव का पोस्टर देखेंगे, मैंने मारा ध्रुव का, सभी विलेन आसपास खड़े हुए हैं, बीच में ध्रुव की मौत हो चुकी है और ये भी क्लेम करते हैं कि भाई हमने मारा। और इसी का सेकंड पार्ट भी बना हत्यारा कौन, जिसमें भी बाकी बच्चे सुपर विलेन क्लेम करते हैं कि भाई हमने मारा, पोस्टर तक को नहीं छोड़ा गया है। यहाँ आप देखेंगे ग्रैंड मास्टर रोबो बताता है कि वो अपने लेजर लाइट से ध्रुव का सर जो है वो फोड़ देता है। वहीं पे दूसरे सीन में बैटमैन में आप देखेंगे जोकर जो होता है एक प्रकार का फ्लूड बैटमैन के सर पे कर देता है जिसकी वजह से उसका सर जम जाता है और वो नीचे गिरने लग जाता है, यानी वो मर जाता है। इस सीन में आप देखेंगे कैट वुमन क्लेम करती है कि उसने डायनामाइट के थ्रू बैटमैन को मारा है और वहीं पे टू फेस ऑब्जेक्शन लेता है कि कोई डायनामाइट के थ्रू वो भी बैटमैन जैसे बंदे को उड़ा सकता है। वहीं आप ध्रुव वाली सीरीज में देखेंगे कि ब्लैक कैट जो होती है वो क्लेम करती है कि उसने डायनामाइट के थ्रू पानी में डुबो के ध्रुव को मारा है। वहीं पे कंकाल तंत्र का जो रक्षक होता है डायनामाइट के थ्रू बताता है कि डायनामाइट के थ्रू कोई सुपर कमांडो ध्रुव जैसे बंदे को मार सकता है क्या। और इस सीन में आप देखेंगे कि ग्रेट मास्टर रोबो क्लेम करता है कि जब ध्रुव को उसने मार दिया था नेक्स्ट डे वो आराम से बैठ के टीवी न्यूज़पेपर सभी चीज को चेक कर रहा था कि कहीं ना कहीं तो ध्रुव की मरने की खबर निकले पर कहीं भी खबर नहीं थी, उसको दबा दिया गया था। वहीं पे दोस्तों आप जोकर को देखेंगे जो टू फेस को बता रहा है कि वो भी बैटमैन के मरने की बात को न्यूज़पेपर टीवी वगैरह में देखने के वेट कर रहा था पर उस चीज को दबा दिया गया था, मुझे कुछ खबर ही नहीं मिली। इस सीन में आप देखेंगे सुपर कमांडो ध्रुव धनंजय को कहता है कि ग्रैंड मास्टर रोबो ने ध्रुव को जरूर मारा है, बिल्कुल सही कह रहा है, बट उसने सुपर कमांडो ध्रुव यानी मुझे नहीं मारा, उसने मारा है टोनी नाम के बंदे को जिसने मेरी ड्रेस पहन रखी थी। और वहीं बैटमैन पुलिस हेडक्वार्टर में कमिश्नर को कहता है कि जोकर ने एक बंदे को जरूर मारा है पर वो बैटमैन नहीं था, वो जेरी नाम का एक बंदा था जिसने मेरी ड्रेस पहन रखी थी, तो मारा जरूर जोकर ने पर उस बंदे को, ना कि मुझे मारा है। इस सीन में आप देखेंगे ग्रैंड मास्टर रोबो ध्रुव की निशानी सभी को बताता है कि लॉकर में रखी हुई उसकी बेल्ट बताता है ताकि सभी को यकीन हो जाए कि हाँ ध्रुव को उसने मार दिया है और ये रही उसकी निशानी। वहीं पे जोकर बैटमैन की कुछ निशानी सभी को बताता है कि देखो इस प्रकार से मैंने जब मार दिया था उसके बाद उसकी निशानी मैंने ले ली थी और ये रही बैटमैन की निशानी, जिससे मालूम पड़ जाए कि हाँ बैटमैन को मैंने मारा है। वहीं आप सुपरमैन के 448 नंबर के इशू में देखेंगे कि एक बंदा होता जो कहता है कि उसके जायंट ग्वालियर की मदद से उसने सुपरमैन को अपने अलग अलग अंगों से पकड़ लिया था। वहीं मैंने मारा ध्रुव में बोना वामन कहता है कि मैंने क्वीन नाम का उसका जो रोबो था उसके अलग अलग अंगों से ध्रुव को उसने पकड़ लिया था। आप देख सकते हैं डायलॉग भी कॉपी और कहीं तक पूरा का पूरा सीन भी कॉपीड आपको देखने को मिल रहा है इसमें। तो इस सीन में आप देखेंगे जैसे ही ध्रुव को मालूम पड़ जाता है कि ग्रैंड मास्टर रोबो ही हत्यारा है टोनी नाम के बंदे का जिसने सुपर कमांडो ध्रुव की ड्रेस पहन के निकला था, तो वैसे ही वो सब लास्ट में अपने ड्रेसेस वगैरह निकाल के दोस्तों निकलता है इस रोबो के अंदर से सुपर कमांडो ध्रुव। और वैसे ही बैटमैन में भी ऐसा ही होता दोस्तों, बैटमैन को जैसे ही मालूम पड़ जाता देरी नाम का बंदा जिसने बैटमैन की नकली पोशाक पहन रखी थी और उसका हत्यारा निकलता है जोकर, तो वैसे ही वो अपना फेस को निकालता है, यानी टू फेस के अंदर होता है बैटमैन। और ये वो लास्ट सीन है दोस्तों जहाँ पे ध्रुव जो होता है रोबो को पकड़ के जेल में डाल देता धनंजय को बताते हुए, और वहीं पे दोस्तों बैटमैन जो होता है कमिश्नर को बोल देता है कि जोकर इसका हत्यारा है और पकड़ के दोस्तों उसे भी जेल में डाल देता और वहां से वो निकलता और सभी लोग खुश हो जाते हैं कि ध्रुव जिंदा, और यहाँ पे बैटमैन को देख के सभी खुश हो जाते हैं कि बैटमैन जिंदा है। तो दोस्तों ये था कॉपीड वाला वर्जन मैंने मारा ध्रुव का बैटमैन के इश्यूज से। दोस्तों आशा है आपको ये पसंद आया होगा और अच्छा लगा, तो दोस्तों कमेंट करना ना भूले, लाइक और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलेगी कॉमिक्स न्यूज अड्डा वाले शो पर।